हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ वेल। तो आज का हमारा ये तीसरा ब्लॉग है जिसमें हम आपकी मुलाकात अपने बुआ के लड़के से कराने वाले हैं। एक्चुअली मेरे पास एक उनका पार्सल है, उन्हें मुझे देना है। सबका पार्सल डिलीवरी एजेंट डिलीवर करते हैं, लेकिन उनका तो मुझे ही करना पड़ता है, चूँकि वो मुझे ही बोल देते हैं कि आप ऑनलाइन कर दो, आपके पास आ जाएगा, तो हमें दे देना। उनका घर बहुत ही पास में है, मेरे घर से महज 1 किलोमीटर होगा। तो चलिए हम सीधा उनसे मुलाकात कराते हैं। उससे पहले मैं आपको पार्सल दिखा देता हूँ उनका। तो कुछ ये पार्सल है फ्लिपकार्ट की तरह से, बहुत ही बड़ा पार्सल है। इसमें एक्चुअली स्कूल बैग है गाइस, स्कूल बैग या फिर आप लैपटॉप बैग कह लीजिए। तो पार्सल बहुत बड़ा है, वहीं पे हम इसका अनबॉक्सिंग करवाएंगे उन्हीं के हाथों और आपको दिखाएंगे भी। ठीक, तब तक आप वेट करिए। हे गाइस, ये मेरे दोस्त हैं, आप देख लीजिए, इनसे मुलाकात मैं करा देता हूँ। ये हैं मिस्टर पंकज जी, मेरे बुआ का लड़का है ये, और CBSE से इस समय 12th कर रहा है। तो ये पार्सल मैंने दे दिया है इनको, ये ओपन कर रहे हैं। चलिए मैं भी साइड में बैठ जाता हूँ यहाँ पे। इससे दो दो काम होगा, अगर पार्सल में कोई कमी रह गई तो वापस भी हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाना चाहिए पार्सल को खोलते समय। और मैं इसकी क्वालिटी भी आपको दिखा दूँगा, बहुत ही सस्ता है, करीब 500 रुपये का है, 499 पे पड़ा है। इसमें एक क्लॉक भी है, तो लग तो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे देखते हैं, साइड हो गए। तो ये है बैग, बेस्ट क्वालिटी का, कंपनी क्या है, भू बैग्स, बट हल्का छोटा लग रहा है, बट परफेक्ट है, इतना भी छोटा नहीं है। साथ ही ये क्लॉक भी मिला है, बिल्कुल एक्टिव है, चालू है, LED क्लॉक है। 7:12 इसमें हो रहा है, नहीं 7:21 हो रहा है, सॉरी। तो ये क्लॉक मिला है, इसके साथ ये बैग मिला है। बाकी आप देख सकते हैं कैसा है बैग और क्लॉक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, ये बैग में थोड़ा देखता हूँ कैसा लगता है, परफेक्ट है कि नहीं, आप बताइएगा ज़रा। फिलहाल के लिए इसी तरह से यूज़ करना है, इतना भी छोटा नहीं है पर छोटा है। अगर आप बड़े हैं तो इसे मत परचेज करिएगा। बैक हो, बैक बैक की लंबाई अगर ज़्यादा है तो आप इसे मत परचेज करिएगा। फिलहाल जो भी है अच्छा है, द बेस्ट है, तो यही है। सो गाइज, अभी मैं हूँ यहाँ पर, बराही माता बोलते हैं, ये एक देवी का स्थान है जहाँ हम लोग मुलाकात किए थे। ये बोर्ड लगा है, जिन्होंने यहाँ का कुछ बनवाया वगैरह है उसका है, ठेकेदार वगैरह और माननीय विधायक श्री सूरजभान करवरिया के सौजन्य में बना है। तो मैं अभी यहाँ से, मुलाकात तो हमारी हो गई, सब कुछ हमारा डील हो गया, जो भी होना था हम लिए, और वो मुझे प्रसाद दिए हैं। मैहर का हम करीब भैया जी गए थे, एक्चुअली हम साइकिल से ही हैं गाइस, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर था नहीं उनका घर, तो ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग साइकिल से। वैसे भी घर पे रहते रहते तो एक्सरसाइज वगैरह होता नहीं कुछ भी, तो सोचते हैं साइकिल ही चला लेंगे, कुछ जो हमारी बॉडी है वो फिट रहे, ताकि फिजिकल बॉडी पर कोई इफेक्ट ना पड़े, परफेक्ट रहे। तो गाइस चलिए, वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हम चलते हैं घर, अब काफ़ी लेट भी हो गया है, यहाँ पे सूरज डूब चुका है, आप देख सकते हैं कहीं पे नहीं नज़र आ रहा है। अब मेरा फ़ोन परफेक्ट है, जो कि हमने महंगा फ़ोन लिया है OnePlus का, तो कैमरे की क्वालिटी जो है वो द बेस्ट है, रात में भी अच्छी आती है। तो ठीक है, चलते हैं, मुलाकात करेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आप लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। सो गाइज़, बाय।